दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्योरा के ऊपर। क्योरा क्या है और आप इससे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। व्हाट इज क्योरा एंड हाउ टू अर्न मनी विद क्योरा। तो गाइज, आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है और काफी नई चीज आपको जानने मिलेगी। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका ओवरव्यू, फिर हम जाएंगे डीप में और आपको भी समझना है कि आप इसका कैसे कैसे यूज करके कितना कितना और कैसे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे। मैं आपको कुछ वेज बता दूंगा जिसका आप यूज करके काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए अपने बोर्ड पे एज यूजुअल। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्योरा में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी एक चीज चाहिए, एक कोर्स चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, कुछ भी एक चीज चाहिए जिस चीज को आप सेल कर सकें, ठीक है, चाहे वो आदमी ही क्यों ना हो, मतलब कुछ भी, या आदमी की नॉलेज क्यों ना हो, कुछ भी, मतलब कोई वीडियो ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी एक ऐसी चीज चाहिए, आप कह सकते हो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसको आप सेल कर सको, ठीक है। क्योरा से पैसे अर्न करने का एक ही तरीका है, वो है सेलिंग। लेकिन वो तरीका, मतलब बहुत ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं सेलिंग के, ठीक है। सो सबसे पहले ये चाहिए। दूसरा क्या, हमें क्योरा पे टाइम बिताना होगा, टाइम स्पेंड ऑन क्योरा, ठीक है। और तीसरा आपका इसका आउटकम जो आएगा वो आएगा आपका डॉलर। और गाइज बिलीव मी, काफी ऐसे लोग हैं जो $500 एटलीस्ट अर्न करते हैं क्योरा से हर महीने, सिर्फ अपना टाइम देके और अपना नॉलेज शेयर करके ऑन क्योरा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आपको मिला दूंगा। तो आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप ये चीजें अप्लाई करके ऐसे अर्निंग कर सकते हो। अब सीधा मैं चलता हूँ क्योरा पर और आपको समझाता हूँ क्योरा है क्या। गाइज व्हाट इज क्योरा, सबसे पहले बता दूं गाइज, क्योरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सबसे बड़ा Q&A प्लेटफॉर्म है। गाइज पहले भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे याहू आंसर्स और ऐसे करके कई कई सारे मतलब प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो इतने ज्यादा अच्छे तरीके से वेल मैनेज नहीं है जैसे क्योरा मैनेज है। अच्छे से अच्छा, गुड लुकिंग दिखता है, गुड लुकिंग वेबसाइट है और हर कुछ आपको हर क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ मिल जाएंगे, वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। हाँ मैं जानता हूँ आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, हर फील्ड से रिलेटेड आंसर आपको क्योरा में मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है ये। एक ऐसे बंदे की वेबसाइट है जो फेसबुक में CTO के पोजीशन पे था एक समय में, फिर उसके बाद उसने मिलके एक बंदे के साथ इस चीज को लॉन्च किया और अभी तक नहीं भी तो 30 मिलियन से भी ज्यादा इसको फंडिंग मिल चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा एक बिजनेस है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसकी पावर क्या है और ये कितना ज्यादा अच्छा वेबसाइट है, Q&A वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में। तो गाइज ये चीज आपने समझ ली। उसके बाद मैं बता दूं गाइज, यहां देखो मैंने सर्च करके रखा है मार्केटिंग और बाजू में आपको ये सोशल मीडिया, फेसबुक और डिजिटल, ये सब मेरे बुक मार्क हैं जिन चीजों के बारे में मैं पढ़ता हूँ या आंसर देता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ। तो ये सब मेरे बुक मार्क्स हैं और यहाँ पर और भी रिलेटेड टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको इससे पैसे कैसे कमाने गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए या तो वो किसी, या तो कोई भी ऐसा चीज जिसको आप सेल कर सको, ठीक है, आप हर चीज को प्रोडक्ट बोल सकते हो। ओके, मैं खुद ही कंफ्यूज कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसको आप सेल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ देखो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, लेकिन हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है, हमें सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, ब्रांड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में जाना है, सेटअप मार्केटिंग में जाना है या एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। याद रखना गाइज, आप उसी प्रोडक्ट को सेल करो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो और जो आप मानते हो कि ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है और मानते हो कि ये काफी लोगों का हेल्प कर सकता है। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया एफिलिएट मार्केटिंग, ये देखो यहाँ खुल गया है। अब आपको क्या करना है गाइज, सिंपल गाइज मैं बता रहा हूँ, सिंपल, बस आपको ये सारी चीजें रीड करनी है और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे कि एक बहुत अच्छा हम लोग ढूंढते हैं, हाउ डू आई लर्न इन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ये काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, मोर कर दिया मैं, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ तो कुछ कमेंट नहीं आया है, लेकिन देखना बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं। यहाँ पर एक ब्रांडिंग भी होती है, आप भी चाहो तो आप अपने यहाँ ब्रांडिंग कर सकते हो, लोगों के आंसर्स देके और अपने क्वेश्चन आंसर देके लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपना भी एक नाम बना सकते हो। जैसे जिस बंदे का देखो वेरीफाइड प्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है क्योरा में और काफ़ी अच्छे लोगों को हेल्प करता है, अच्छी चीज़ें शेयर करता है। तो ठीक है, तो अब मान लो मैं अगर इस बंदे का ये ओपन करता हूं तो इसके में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट्स वमेंट्स आए होंगे, ठीक है, लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे होंगे, ठीक
है, तो यहाँ देखो एक बंदे ने कमेंट किया है, और इसके शेयर्स देखो 174 शेयर्स, अपोर्ट्स देखो 17 के वो अपोर्ट्स, मतलब बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी। अब देखो आई फाउंड योर फर्स्ट स्टेटमेंट सरप्राइजिंग हाउ ट्रैकिंग यूजर्स रिलेटेड टू ट्रैकिंग। तो अब ये ट्रैकिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप इनका आंसर दे सकते हो कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ट्रैकिंग में, ये ऐसा लिख सकते हो, और उसके बाद आप ऐसा बता सकते हो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो आपको ट्रैकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। हाउ कैन आई क्रिएट एन एफिलिएट अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट। तो अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप इनका हेल्प कर सकते हो, या तो आपके पास कोई कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का तो आप इनको ऑफर कर सकते हो, क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है, ये एफिलिएट मार्केटिंग की चीज़ों को ढूंढ रहा है, तो आप इनके कमेंट्स में जाके उनको ऑफर दे सकते हो। और यहाँ कोई भी कमेंट में लिंक विंक बैन नहीं होती है जैसे फेसबुक पे होती है, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। विल एफिलिएट मार्केटिंग स्टिल वर्क फॉर ब्लॉगिंग इन 2019। तो देखो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा लोगों को हेल्प कर सकते हो पक्का। इसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स होंगे और आप उनको एक एक कमेंट ढूंढ के वहाँ आंसर कर सकते हो। तो ऐसे ही करके, मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है गाइस, कि आपको करना ये है कि आपको अपने नीश से रिलेटेड, व्हाट इज नीश, अगर बहुत सारे लोग नए होंगे तो उनको पता नहीं होगा नीश क्या होती है, तो मैं बस बोलना चाहूँगा जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग नीश है, मतलब यहाँ हर कुछ आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, मतलब हर कुछ। मैंने कहा ना दुनिया की सबसे बेस्ट Q&A वेबसाइट है, तो हर तरह के लोग, हर तरह की नीश, हर तरह का सब्जेक्ट, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मिल जाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग ई कॉम के बारे में जाके ढूंढ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। फिर आपको क्या करना है, बस लोगों के आंसर्स देने हैं, सही आंसर्स दे के उनको सही चीज़ ऑफर कर देनी है, जिनको अच्छा लगेगा वो आपके ऑफर में जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा आपका ऑफर, वो आपके ऑफर को खरीद लेंगे। तो ऐसे करके आप क्योरा से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। बस बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल जाती है कि आपको टारगेट मार्केट मिल जाता है, जो सबसे बड़ा की है सेलिंग का। तो ये टारगेट मार्केट जो है वो आपको विन कराता है, ज्यादातर चांस रहता है 70-80% चांस रहता है कि आप विन कर जाओगे, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका अच्छा है और आपका जो प्रोडक्ट है वो वाकई में अच्छा है, तो आप यहां से टारगेट मार्केटिंग करके काफी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, और भी चीजें मैं क्योरा के बारे में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्योरा से और कैसे कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। तो कमेंट बिलो एंड प्लीज गिव वन लाइक, योर वन लाइक मोटिवेट्स me daily to do something for you guys on YouTube, and बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। सी वी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।